भविष्य पुराण में पहले ही हो चुकी है महाविनाश की भविष्यवाणी, नष्ट हो जाएंगे सनातन विरोधी। पुराणों का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि उनमें कुछ भविष्य की बातों का भी उल्लेख है। पुराणों में कलयुग का जो चित्रण किया गया है वर्तमान में हूबहू वैसा ही हो रहा है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। यहाँ प्रस्तुत है पुराणों की वह भविष्यवाणी जिसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जो वेद सम्मत आचरण को छोड़ चुके हैं। तब अंत में होगी प्रलय, बचेगा वही जो ब्रह्म परायण होगा। पुराणों में भारत में आज तक होने वाले सभी शासकों की वंशावली का उल्लेख मिलता है। पुराणकार पुराणों की भविष्यवाणियों का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। यहाँ प्रस्तुत हैं भागवत और भविष्य पुराण में दर्ज भविष्यवाणी के अंश। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मानने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जो मार रहे हैं। यहाँ शूद्र का मतलब उस आचरण से है जो वेद विरुद्ध है। मांस मदिरा और संभोग आदि प्रवृत्ति में ही सदा रत रहने वाले राक्षस धर्मी को शूद्र कहा गया है। जो ब्रह्म को मानने वाले हैं वही ब्राह्मण है। आज की जनता ब्रह्म को छोड़कर सभी को पूजने लगी है। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार ब्रह्मदेव से हीन नामात्र के द्विजों का और मलेच्छों का राज होगा। सबके सब राजा राजनेता आचार विचार में मलेच्छ प्रायः होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। कि सिंधु के ज्यादातर तटवर्ती इलाके अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं। कुछ कश्मीर में है जहाँ नामात्र के द्विज अर्थात ब्राह्मण हैं। इन सभी मलेच्छों के बारे में पुराणों में लिखा है कि ये सबके सब परले सिरे के झूठे अधार्मिक और स्वर्ग दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। प्राचीन काल में मलेच्छ उसे कहते थे जो हिंदुकुश पर्वत के उस पार रहता था और जिसने घुसपैठ करके अफगानिस्तान के बहुत बड़े इलाके को अपने अधीन कर लिया था। आजकल लोग मलेच्छ का अर्थ गलत निकालते हैं। इन लोगों का धर्म कुछ हो लेकिन ये जाति से सभी मलेच्छ हैं। कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ जो हुआ ये दुष्ट लोग स्त्री बच्चों गौ और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये मलेच्छ ही होंगे। पूरे देश की यही हालत है। भारतीय धर्म के विरोधियों की सत्ता में ताकत बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव आचरण भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। भागवत पुराण अध्याय कलयुग की वंशावली से अंश। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा।
भविष्य में गंगा नदी पुनः स्वर्ग चली जाएगी, फिर गंगा किनारे बसे तीर्थ स्थलों का कोई महत्व नहीं रहेगा, वे नामात्र के तीर्थ स्थल होंगे। तब देश में बहुत बुरे हालात होंगे। केदार घाटी में दो पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी है और इस नदी को किसी भी प्रकार से प्रदूषित करने और इसके स्वाभाविक रूप से छेड़खानी करने का परिणाम होगा संपूर्ण जम्मू खंड का विनाश और गंगा का पुनः स्वर्ग में चले जाना। पुराणों में बद्री केदारनाथ के रोचने का जिक्र मिलता है। पुराणों के अनुसार कलियुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। कलियुग अपने चरम पर होगा, तब लोगों की आस्था लोभ लालच और काम पर आधारित होगी। सच्चे भक्तों की कमी हो जाएगी। ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। ढोंगी संतजन धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे, तब इसका परिणाम यह होगा कि धरती पर मनुष्यों के पाप को धोने वाली गंगा स्वर्ग लौट जाएगी। वेदों में कहा गया है कि नदी के किनारे लगे वृक्ष को जिस तरह सभी तरह के पोषक तत्व मिलते रहते हैं, उसी तरह सुख और दुख सभी अवस्था में जो व्यक्ति परमेश्वर ब्रह्म को पकड़कर रखता है वो कभी मुरझाता नहीं है। लोगों को तथाकथित साधु ज्योतिष या भ्रमित करने वाली पुस्तकें अनेकों मंत्र देवता आदि के बारे में बताते और डराते रहते हैं, किंतु यह सभी भटकाव के रास्ते हैं। भ्रम द्वंद्व डर में जीने वाला या भटका हुआ व्यक्ति कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाता। वो कभी किसी मंत्र या देवता का सहारा लेता है तो कभी किसी दूसरे मंत्र या देवता का। ऐसा व्यक्ति किनारे से दूर होता जाता है और हमेशा द्वंद्व और दुविधा में रहकर जीवन नष्ट कर लेता है। भविष्योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलियुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संतजन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। ब्रह्मवर्त पुराण में श्री कृष्ण गंगा को बताते हैं कि कलियुग में एक स्वर्ण युग होगा जिसकी शुरुआत कलयुग के 5000 वर्ष बाद होगी और यह सुनहरा युग अगले 10000 वर्ष तक चलेगा। यह भविष्यवाणी भारत के संदर्भ में नहीं बल्कि संपूर्ण धरती के संदर्भ में है। कलयुग के 5000 वर्ष बीत चुके हैं और अब सभी ओर राजनीतिक शुद्धता और तकनीकी का युग शुरू हो चुका है। हर देश में क्रांति और आंदोलन हो रहे हैं। अब झूठ और फरेब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ईसा मसीह के 3114 वर्ष पूर्व कलियुग की शुरुआत हुई थी। आज इसके 5127 वर्ष बीत चुके हैं। कलिकाल का वर्णन। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। दम्भिन निजमति कल्पी करी प्रगट किए बहुपंथ। 97 का भावार्थ। कलियुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए, गंभीरों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। रामचरित मानस उत्तरकांड 97 का गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित के उत्तरकांड में काकभूषुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज उसी वर्णन अनुसार ही घटनाएं घट रही है और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा। कलयुग यानी काला युग, कलह क्लेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है।
इस युग में धर्म का सिर्फ एक चौथाई अंश ही रह जाता है। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी, उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी, इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेगी, हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा अतिथि सत्कार श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी नाटी अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे न ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंद मूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि करके बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंद बुद्धि व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी, 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले शास्त्र ज्ञान से रहित दम्भी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे।
चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सत्ययुग देखेंगे। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर गोना हो जाएगा। ब्रह्मवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों गोने के समान हो जाएंगे। गौएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। क्या खाएगा मनुष्य, कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। कैसा मनुष्यों का स्वभाव, स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुसा, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जपरहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रिग्मन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पितृवधं कृत्वा पिता पुत्रवधं तथा निरुद्वेगो बृहद्वादी न निन्दामुपलप्स्यते। मलेच्छीभूत जगत सर्व भविष्यति न संशयः। हस्तो हस्तं परिमुषेद् युगान्ते समुपस्थिते। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी।
स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे।